एक तरफ ही एक भी कोई चोट नहीं है गाड़ी पर। आप देख लिए रास्ते से हट के कई मीटर की दूरी में ये पोल है। वहां का लोकल लोग कह रहे हैं कि पोल में लगे, रास्ते से हट के कई मीटर की दूरी में पोल है। ममता दी के गाड़ी के पहले कन्वॉय में दो तीन गाड़ियां थी। इसका मतलब है गाड़ी पूरा एकदम रास्ते से उतर कर जाके पोल में गिरी, ये कहीं संभव है? और खास करके हम जो देख रहे हैं काली से, आप ही के चैनल में, आप ही के सिस्टर चैनल में हम देख रहे हैं कि वहां पर कितने सारा भीड़ थे लोग, वहां पर एकदम सी ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं, वहां जाके ममता दी के गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे समर्थक थे, दो तीन चार, वही बात ममता दी ने कहे, दो तो तीन इसमें चार, और गुंजाइश जो कहाँ है कि जो अटैकर भी रहे होंगे? इसमें गुंजाइश है हाँ कि अटैकर्स भी? यही तो हम बात कर रहे हैं। अब एक्सीडेंट आप दिखा दीजिए, एक वीडियो वहां पर पूरा गाड़ी निकल के आ जाए, सी ऑफ पीपुल थे गाड़ी, और इतने तेज में गाड़ी नहीं चल रही थी कि इतना जोर से एक्सीडेंट हो जाएगी और ममता दी के इतना चोट आ जाएगी। आपको आप देख सकते हो भाई साहब, पूरा वीडियो है। और ये सब लोग बीजेपी के लोग, वहां का जो बीजेपी के नहीं, समर्थक बीजेपी तो आज है, आप खुश होना तो चाहिए, बीजेपी के लिए तो आपको खुश होना चाहिए, कांग्रेस से आपको आपको दादा आ रहे हैं, देखिए आ आप रहा हूं बताएंगे, हम मैं जब बताएंगे, आपको आ रहे हैं, बताएंगे। लेकिन आप तो बीजेपी तो आज आपको खुश होना चाहिए, बीजेपी ने तो कह दिया कि सीबीआई का जांच होनी चाहिए, तो बताएंगे आज तो आप बताएंगे, प्रसन्न ये होंगे तो बीजेपी से? ये लोगों का डैमेज कंट्रोल है। काल 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 इत्तेफाक से हम काल लाइव डिबेट में थे, आपके साथ थे, उसके बाद जब घटना घटी तब थे, उन लोगों का लाइव जब आप क्या बोल रहे थे, अर्जुन सिंह का अभी बयान दिखाया, जो मैंने सबसे देखा, इंपॉर्टेंट लीडर है कैलाश विजयवर्गीय जी, सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल में, दिलीप साहब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कह के आपने दिखाया है अभी जब, और सेंट्रल लीडरशिप कुछ और बात कह रहे थे, कुछ जो सेंसिबल है, हम एक 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 स्पोक्स पर्सन के साथ डिबेट करते, बहुत सेंसेबल आदमी है दूसरे चैनल पे, वो कहे थे वो इस तरह का बात कह रहे थे। ये डैमेज कंट्रोल है इन लोगों के मन में, क्या है बंगाल के लोगों के मन में, कहा है दोस पीपल हु आर सेंट टू लीड द पार्टी इन बंगाल, जिनको इन लोगों ने भेजा है, इन लोगों का आप देखिए, इन लोगों का मनसा देखिए, जो बंगाल राज करने के लिए बात कर रही है, शायद इन लोग राज करेंगे, इन लोग ये सोचते हैं राज करेंगे, देखिए इन लोग का मनसा। अरे अगर एक्सीडेंट भी हुई थी काल, अगर मान लो एक्सीडेंट भी हुई थी, चोट लगी थी ये विजिबल थी, सबको मालूम है, रिपोर्टर थे, हजारों लोग थे वहां पर, पार्थोदा सबको पार्थोदा लगी बहुत चोट वेरी लगी वेरी थी, क्विक वेरी क्विक एक्सीडेंट भी रिस्पॉन्स, नहीं है। क्योंकि मुझे आगे डिबेट में मैं पढ़ना है। पार्थोदा वेरी क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि आपके पास है कुछ। ममता जी का बात कह रहे हो, जो उन्होंने कहा है, मेरा पैर पे चोट है, लिगामेंट में भी चोट लगा है, सर और सीने में भी दर्द है, चोट बड़ी है, गाड़ी की पायदान पर मैं जब खड़ा होकर नमस्कार कर रहा था, इस टाइम एक प्रेशर आया जो गाड़ी की दरवाजा मेरे पैर के ऊपर चप गया, तो ये आज उनका कहना है, तो इसके मतलब जी इसको तो अटैक का कोई भी बात नहीं है इसमें, हम लोग तो यही बात बोल रहे हैं, आपके पास सीबीआई है, एनआईए है, जो भी है, आप अब इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर ये अटैक है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, एक जेट प्लस सिक्योरिटी के बाद भी एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक होता है और वो भी आदमी लोग बीजेपी के भाग जाता प्रवक्ता है अटैक जी ओम करके, ये प्रकाश सिंह, ओम क्या प्रकाश बात जी, ओम प्रकाश जी, बीजेपी के प्रवक्ता, सीबीआई की मांग। भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी बात करना सौभाग्य है। मैं एक लाइन से शुरुआत करूंगा, जी जाके प्रभु दान ताके मोदी आगे हर दिन। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों तले जो उनका क्रेज जलवा 2011 में जो आई थी, अब नहीं है स्थिति, ठीक उनके उलट चल रही है, और नंदीग्राम उनके लिए वाटरलू साबित होगा। भवानीपुर छोड़कर वो भागकर वहां गई हैं, क्योंकि भवानीपुर में 2019 में वो हारी हैं, उस विधानसभा में पिछड़ी हैं, आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा लोकसभा के हिसाब से। और वहां जो नंदीग्राम है, मैं उन्हीं की बात जाता हूँ, पुलिस छोड़ दीजिए, मेरे तृणमूल के दादा बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, सारे आई विटनेस, सारे चैनल पे जो आई विटनेस है, कानून की भाषा में छोटा एक अधिवक्ता हूँ इतनी मालूम है, आई विटनेस का बड़ा दाम है, सभी ने कहा है कि ये कोई हमला नहीं है, गेट खुला था, वो अभिवादन स्वीकार कर रही थी, जा रही थी, अचानक पिलर से लगा, गेट बंद हुआ, चोट लग सकती है, उन्हें चोट लगी है, पूरी बीजेपी को सिंपैथी है, हमारे राज्य की मुखिया है, उनका आदर है, कभी अनादर हम नहीं करते, मगर कल वो कह रही है कि चार पांच लोग छीलो, देखिए गाड़ी में हिंदी में बयान है, चार पांच लोग थे उन्होंने हमला किया, आज कह रही है कि लगता है मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी चली गई, एक प्रदेश की मुखिया का इस तरह से गैर जिम्मेदारान बयान, कल वो बोली हमला हुआ है, अगर पूरा बंगाल जल उठे, लॉ एंड ऑर्डर भी कर जाए, कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? और अभी ये जो बोल रहे हैं जेड प्लस सिक्योरिटी है, मैं चूंकि नवान्नो मेरे घर के बगल में, मैं हावड़ा में रहता हूँ, मैं उन्हें रोज देखता हूँ, मैं जानता हूँ ये संभव ही नहीं है, ये तृणमूल ने खुद से करवाया है, तृणमूल के लोग थे,
तृणमूल का नॉमिनेशन था। देवनाथ, और मैं दादा देवनाथ, 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 दादा देवनाथ।